बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पिछले लेक्चर में हमने आइकन्स और टाइप्स ऑफ आइकन्स की डिटेल्स देखी थी और आज के लेक्चर में हम माउस एंड कीबोर्ड इवेंट्स इन विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम की डिटेल्स देखेंगे। लेकिन इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि आखिर इवेंट किसको कहते हैं। दोस्तों, एन इवेंट इज एन एक्शन दैट अकर्स एज अ रिजल्ट ऑफ द यूजर और अनदर सोर्स। यानी जब यूजर कोई एक्शन, कोई काम परफॉर्म करता है कंप्यूटर पर, तो वो एक्शन कहलाता है इवेंट। जैसे आप एक यूजर हैं और आपने कीबोर्ड से F1 की को प्रेस किया, यानी आपने एक एक्शन परफॉर्म किया और उस एक्शन के अगेंस्ट कंप्यूटर जो काम परफॉर्म करेगा वो कहलाएगा इवेंट। दोस्तों, ये मेरी डेस्कटॉप स्क्रीन है और मैं अब इस स्क्रीन पर अपने कीबोर्ड से F1 की प्रेस करने जा रही हूँ। तो जैसे ही मैंने F1 की प्रेस की तो आप देख सकते हैं कि मेरे सामने इंटरनेट एक्सप्लोरर खुल गया और खुद से जो है मेरे पास सामने विंडोज 10 से रिलेटेड हेल्प आ गई। तो दोस्तों, इस तरीके से अगर आप कोई भी एक्शन परफॉर्म करते हैं और उस एक्शन के अगेंस्ट कंप्यूटर जो एक्शन लेता है, कंप्यूटर जो काम करता है, वो चीज कहलाती है इवेंट। और फ्रेंड्स, यूजर यानी आप दो कॉमन डिवाइसेस के थ्रू कंप्यूटर में इवेंट्स को क्रिएट कर सकते हैं। और ये देखिए, माउस एंड कीबोर्ड आर द टू बेसिक इनपुट डिवाइसेस यूज फॉर पर्सनल कंप्यूटर्स। यानी माउस और कीबोर्ड वो दो ऐसी इनपुट डिवाइसेस हैं जिनके जरिए आप कंप्यूटर को कमांड दे सकते हैं और कंप्यूटर उन कमांड्स के अगेंस्ट इवेंट जनरेट करता है। एंड माइक्रोसॉफ्ट विंडोज कैप्चर्स डिफरेंट एक्शंस परफॉर्म बाय द माउस एंड द कीबोर्ड, एंड दीज एक्शंस आर रेफर्ड टू एज इवेंट्स। और जो भी कमांड्स आप इन दो डिवाइसेस के जरिए कंप्यूटर को देंगे तो ये अमल कहलाएगा इवेंट। और दोस्तों, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि ये दो इनपुट डिवाइसेस हैं जिनके जरिए आप कंप्यूटर को कमांड दे सकते हैं और उन कमांड्स के अगेंस्ट कंप्यूटर जो इवेंट परफॉर्म करेगा वो कहलाएगा माउस इवेंट। अगर आप माउस के थ्रू कोई कमांड दे रहे हैं तो वो कहलाएगा माउस इवेंट, और अगर आप कीबोर्ड के थ्रू कोई इवेंट कोई कमांड दे रहे हैं तो वो कहलाएगा कीबोर्ड इवेंट। तो आइए सबसे पहले माउस इवेंट की डिटेल्स देखते हैं। माउस इवेंट्स आर द एक्शंस दैट कैन बी परफॉर्म बाय यूजिंग माउस। यानी माउस को इस्तेमाल करते हुए आप जो भी कमांड कंप्यूटर को देंगे तो ये अमल कहलाता है माउस इवेंट। और आमतौर पर हम माउस से तीन तरह के इवेंट परफॉर्म करवाते हैं। नंबर 1 इज लेफ्ट क्लिक, देन नंबर 2 इज राइट क्लिक, एंड द अनदर 1 इज ड्रैगिंग। तो दोस्तों, सही, आइए सबसे पहले लेफ्ट क्लिकिंग को देखते हैं। दोस्तों, आमतौर पर माउस पर दो बटन इस तरह से आपने देखे होंगे और ये जो उल्टे हाथ की तरफ बटन है ये कहलाता है लेफ्ट बटन, क्योंकि ये आपकी दाई तरफ मौजूद होता है। और जैसे ही आप इस बटन को दबाएंगे तो आपका विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम कुछ इवेंट्स परफॉर्म करेगा, एंड दिस इवेंट इज यूज्ड टू सिलेक्ट अ फाइल और आइकन और एनी अदर ग्राफिकल ऑब्जेक्ट ऑन द स्क्रीन। यानी जैसे ही आप माउस के पॉइंटर को स्क्रीन पर मौजूद किसी भी ऑब्जेक्ट पर, किसी भी फाइल, प्रोग्राम या फिर फोल्डर पर लेकर जाएंगे और इस लेफ्ट बटन पर उंगली की मदद से डबल क्लिक करेंगे, यानी दो बार इस बटन को दबाएंगे, तो वो ऑब्जेक्ट आपके सामने ओपन हो जाएगी, यानी वो ऑब्जेक्ट सिलेक्ट होकर ओपन हो जाएगी। और इसके अलावा आप इस लेफ्ट क्लिक के जरिए किसी विंडो को मिनिमाइज कर सकते हैं, क्लोज कर सकते हैं, स्टार्ट बटन के मेन्यू को देख सकते हैं। अब आइए इसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन को देखें। दोस्तों, सबसे पहले आपको जैसे मैंने अभी बताया कि लेफ्ट क्लिकिंग के बहुत सारे तरीकेकार हैं जिनके जरिए आप बहुत से काम कर सकते हैं। आप पिक्चर को क्लोज कर सकते हैं, मिनिमाइज कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं, स्टार्ट मेन्यू को देख सकते हैं। तो हम सबसे पहले इस लेफ्ट क्लिकिंग की मदद से फोल्डर्स, फाइल्स या किसी भी ऑब्जेक्ट को ओपन करना सीखेंगे। तो दोस्तों, आप सबसे पहले माउस को पकड़ें और हाथ की मदद से जिस फाइल को आपको खोलना है, ओपन करना है, पॉइंटर को उस फाइल तक लेकर जाएं। इस तरीके से अब फॉर एग्जांपल मुझे इस एबीसी फोल्डर को ओपन करना है, तो सबसे पहले मैं माउस की मदद से इस अपने कर्सर को इस एबीसी फोल्डर पर लेकर जाऊंगी। अब आप देख सकते हैं कि मेरा पॉइंटर अब मेरी मतलूबा फाइल पर मौजूद है। अब माउस के इस लेफ्ट बटन को दो बार उंगली की मदद से दबाएं इस तरह से, तो आप देख सकते हैं कि आपके सामने ये एबीसी फोल्डर खुलकर आपके सामने स्क्रीन पर मौजूद है। यानी इससे हमें ये पता चला कि अगर हम किसी भी फोल्डर, फाइल,
आइकन या ऑब्जेक्ट को या फिर किसी प्रोग्राम को किसी सॉफ्टवेयर को ओपन करना चाहते हैं, खोलना चाहते हैं, तो हम सबसे पहले इस पॉइंटर को उस फोल्डर पर लेकर जाएंगे, उस फाइल पर उसके आइकन पर लेकर जाएंगे और माउस पर मौजूद इस लेफ्ट क्लिक को दो बार दबाएंगे। तो जैसे ही हम इसको दो बार प्रेस करेंगे तो हमारे सामने वो फोल्डर, वो फाइल, वो ऑब्जेक्ट खुलकर हमारे सामने मौजूद होगा। तो दोस्तों ये था किसी भी फाइल को ओपन करना थ्रू द लेफ्ट क्लिकिंग। इसके साथ साथ आप किसी भी फाइल को मिनिमाइज कर सकते हैं, यानी यहाँ पर जो एक डैश आपको नजर आ रहा है, आप उस ओपन हुई हुई विंडो पर ये जो डैश नजर आ रहा है इसके ऊपर जब आप लेफ्ट क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि आपकी ये फाइल सिमट कर टास्क बार के अंदर आ गई है। अब अगर आप इसको दोबारा से खोलना चाहते हैं, मैक्सिमाइज करना चाहते हैं, तो आप दोबारा से इस लेफ्ट क्लिक को दबाएंगे। जैसे कि मैंने अभी लेफ्ट क्लिक दबाया तो ये विंडो मेरे सामने मैक्सिमाइज हो गई। यानी आप इस लेफ्ट क्लिक की मदद से किसी भी विंडो को मिनिमाइज कर सकते हैं और मैक्सिमाइज भी कर सकते हैं। और यहाँ पर जो आपको ये डबल एक बॉक्स नजर आ रहा है जो कि मैक्सिमाइज कहलाता है, इसको इसके जरिए आप इस विंडो को डेस्कटॉप की फुल स्क्रीन पर भी लेकर आ सकते हैं। जैसे कि मैं अब लेफ्ट क्लिक दबाने लगी हूँ और जैसे ही मैंने लेफ्ट क्लिक दबाया तो ये मेरी पूरी विंडो मैक्सिमाइज हो गई है, इनलार्ज हो गई है। इसके अलावा मैं किसी भी विंडो को, किसी भी फाइल को जो मैंने ओपन की है, इसी लेफ्ट क्लिक की मदद से इसको मैं बंद भी कर सकती हूँ, क्लोज भी कर सकती हूँ। दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं कि आपको टॉप कॉर्नर पर एक क्रॉस बना हुआ नजर आएगा। आप सबसे पहले इस पॉइंटर को, इस कर्सर को उस क्रॉस पर लेकर जाएंगे और अपने माउस पर मौजूद इस लेफ्ट क्लिक को एक दफा प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं कि आपकी ये विंडो, आपका ये फोल्डर जो आपने खोला हुआ था, ये अब इस लेफ्ट क्लिक की मदद से बंद हो चुका है। तो दोस्तों ये थे लेफ्ट क्लिकिंग के काम, कि आप इससे सिलेक्शन कर सकते हैं, कोई विंडो ओपन कर सकते हैं, मिनिमाइज कर सकते हैं, मैक्सिमाइज कर सकते हैं। इसके बाद जो माउस का दूसरा इवेंट है वो कहलाता है राइट क्लिकिंग। दोस्तों माउस पर मौजूद इस बटन को जो कि आपके सीधे हाथ की तरफ मौजूद है, इसको राइट बटन कहा जाता है। और इस राइट बटन को जब आप प्रेस करेंगे, दबाएंगे, तो ये अमल कहलाएगा राइट क्लिकिंग। और इस राइट क्लिक को आमतौर पर स्क्रीन पर मौजूद किसी भी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज देखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यानी उस ऑब्जेक्ट की क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, आया वो ऑब्जेक्ट कॉपी हो सकती है, पेस्ट हो सकती है, यानी तरह तरह के फंक्शंस जो कि वो उस ऑब्जेक्ट पर आप कर सकते हैं, ये आपको उसकी डिटेल बताएगा। तो आइए इसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन को देखते हैं। दोस्तों मैं अभी डेस्कटॉप स्क्रीन पर मौजूद हूँ, तो अगर अब मैं अपने माउस पर मौजूद राइट बटन को दबाती हूँ, राइट बटन को क्लिक करती हूँ, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि आपको एक लिस्ट नजर आएगी जो कि डेस्कटॉप की प्रॉपर्टीज बता रही होगी। यहाँ आप देख सकते हैं कि मैं अभी किसी चीज को सिलेक्ट नहीं कर रही हूँ, मैं डेस्कटॉप पर हूँ और अब मैं अपने माउस पर मौजूद इस राइट बटन को प्रेस कर रही हूँ। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि मुझे इस डेस्कटॉप से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन होगी उसकी प्रॉपर्टीज बता रहा है, यानी ये मुझे डेस्कटॉप से रिलेटेड तमाम प्रॉपर्टीज और तमाम फंक्शंस जो कि मैं परफॉर्म कर सकती हूँ उसकी डिटेल्स बता रहा है। इसी तरह अगर मैं अपने माउस के पॉइंटर को स्क्रीन पर मौजूद किसी आइकन पर रखती हूँ और फिर उंगली की मदद से माउस पर मौजूद बटन दबाती हूँ, यानी राइट बटन दबाती हूँ, तो अब जो लिस्ट आपको नजर आ रही है, जो कि अभी मैं आपको परफॉर्म भी करके दिखाऊंगी, वो पहली वाली लिस्ट से बिल्कुल अलग होगी, क्योंकि अब ये मुझे इस सिलेक्टेड आइटम की प्रॉपर्टीज दिखा रही है। दोस्तों अब मैं माय कंप्यूटर पर अपना माउस लेकर जाऊंगी, ये कर्सर और ये पॉइंटर लेकर जाऊंगी और अब मैं राइट क्लिक करूंगी, तो आप देख सकते हैं कि ये मुझे माय कंप्यूटर से रिलेटेड जितनी भी इस फोल्डर से रिलेटेड प्रॉपर्टीज होंगी उनको दिखा रहा है, जो कि इस डेस्कटॉप से बिल्कुल डिफरेंट है। तो दोस्तों इस तरह आप ये समझ सकते हैं कि अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके राइट क्लिक करते हैं तो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम आपको उस ऑब्जेक्ट की बेसिक इंफॉर्मेशन देता है, उस ऑब्जेक्ट से रिलेटेड आप जो भी फंक्शन परफॉर्म करवाना चाहते हैं उसकी डिटेल ये आपको देगा। जैसे रिसाइकल बिन है तो उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपको देगा कि आप इस फोल्डर पर कौन कौन से फंक्शंस परफॉर्म कर सकते हैं, आप उसको रीनेम करना चाहते हैं, आप उसकी प्रॉपर्टीज देखना चाहते हैं, इसका साइज क्या है और दूसरी चीजें कि ये लोकल डिस्क पर है, ये कौन सी इसकी स्पेस क्या है, ये तमाम प्रॉपर्टीज ये आपको फराहम करेगा। दोस्तों राइट क्लिकिंग के बाद जो नेक्स्ट इवेंट है जो कि आपका माउस परफॉर्म करता है वो है ड्रैगिंग। दोस्तों ड्रैगिंग के माने होते हैं घसीटना
और माउस की मदद से आप इस इवेंट को अचीव कर सकते हैं। कैसे? माउस के लेफ्ट बटन को प्रेस करते हुए और लेफ्ट बटन को रिलीज किए बिना, यानी प्रेस किए हुए ही बिना छोड़े, आपको उसको छोड़ना नहीं है, आप माउस को घसीटते हुए एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाते हैं तो साथ के साथ वो ऑब्जेक्ट भी एक जगह से दूसरी जगह मूव होगा और इस अमल को ड्रैगिंग भी कहा जाता है, जो कि माउस के लेफ्ट बटन को प्रेस करते हुए अचीव किया जाता है। अब आइए इसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन को देखते हैं। दोस्तों, यह है डेस्कटॉप स्क्रीन और यहाँ आप इस माई कंप्यूटर के आइकन को, जो कि सबसे टॉप पर आपको नजर आ रहा है, इसको सबसे नीचे प्लेस करना चाहते हैं, यानी मैं इसको सबसे नीचे लेकर आना चाहती हूँ। तो ये कैसे होगा? ये होगा इस ड्रैगिंग के जरिए। तो आप पहले माउस पॉइंटर को इस माई कंप्यूटर आइकन पर रखेंगे इस तरीके से। इसके बाद आप माउस के लेफ्ट बटन को दबाएंगे इस तरीके से। अब मैंने लेफ्ट बटन दबा दिया है और इस लेफ्ट बटन को दबाए हुए, यानी आपको इसको छोड़ना नहीं है, आप इस पॉइंटर को एक जगह से दूसरी जगह, जहां पर भी आप इस आइकन को प्लेस करना चाहते हैं, वहां पर लेकर जाएंगे और इस तरह से आप इस माई कंप्यूटर को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाते हैं। और दोस्तों, आप जैसे ही अपने लेफ्ट क्लिक को छोड़ेंगे, जैसे कि मैं अब छोड़ रही हूँ, तो आप देख सकते हैं कि ये माई कंप्यूटर का आइकन एक जगह से दूसरी जगह एक ही स्क्रीन पर मूव हुआ है, जिसको हम कहते हैं ड्रैगिंग। इसके अलावा आप इस लेफ्ट बटन को प्रेस किए हुए बहुत सारे आइकन्स को सिलेक्ट कर सकते हैं, यानी एक साथ सिलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने ये लेफ्ट क्लिक दबाया हुआ है और अब मैं माई कंप्यूटर को सिलेक्ट करूंगी, उसके बाद इस तरह से ये मैंने लेफ्ट क्लिक दबाया हुआ है और मैं तमाम आइटम्स जो कि मैं सिलेक्ट करना चाहती हूँ उनको मैं सिलेक्ट कर रही हूँ कि मुझे कौन कौन से आइटम सिलेक्ट करने हैं। तो मैं एक साथ इन तमाम ऑब्जेक्ट्स को एक साथ इस लेफ्ट क्लिक के जरिए सिलेक्ट भी कर सकती हूँ। और दोस्तों, ये तमाम थे माउस इवेंट्स। इसके बाद जो दूसरा इवेंट है वो कहलाता है कीबोर्ड इवेंट। दोस्तों, वो तमाम इवेंट्स जो कीबोर्ड को इस्तेमाल करके किए जाते हैं वो कहलाते हैं कीबोर्ड इवेंट्स। और कीबोर्ड पर हर की कोई ना कोई इवेंट क्रिएट करती है, जैसे F1 फॉर हेल्प आइकन्स, जैसे कि मैंने आपको अभी दिखाया भी था। इसके अलावा की अप आइकन्स को अपवर्ड वे में सिलेक्ट करने के लिए इस्तेमाल की जाती है, की डाउन आइटम्स को डाउनवर्ड वे में सिलेक्ट करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। बिल्कुल ऐसे ही हर एक की किसी न किसी इवेंट को जनरेट करती है कीबोर्ड के अंदर। तो दोस्तों, ये थे माउस और कीबोर्ड इवेंट्स। अगले लेक्चर में हम फाइल मैनेजमेंट इन विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम की डिटेल्स देखेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।